ब्रूस वेन। अब लोग इस कैरेक्टर को अक्सर टोनी स्टार्क से कंपेयर करते हैं, जस्ट क्योंकि ये दोनों ही सुपर हीरोज हैं और दोनों ही बहुत अमीर हैं। बट आपको पता है क्या, पर्सनालिटी के मामले में ब्रूस वेन टोनी स्टार्क से कहीं ज्यादा अलग है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको ब्रूस वेन की पर्सनालिटी के 4 ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं अगर आप भी ब्रूस वेन की जैसे एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी पाना चाहते हैं। और हाँ, इस एपिसोड में हम बैटमैन की पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, ना कि उसके पीछे की साइंस के बारे में। इसलिए अगर आप बैटमैन की रियल लाइफ पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, देन उसके लिए मैंने अलग से एक एपिसोड बना रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों, बैटमैन की पर्सनालिटी से जो पहली चीज आपको सीखनी चाहिए वो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, यानी कि हमेशा प्रिपेयर्ड रहना। ब्रूस वेन बस एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास की ऐसी कोई खास सुपर पावर नहीं है, बट फिर भी अगर आप कॉमिक में देखें तो बैटमैन ने सुपरमैन, डार्क साइड एंड इवन पूरे जस्टिस लीग को अकेले ही हराया है, और वो भी एक से ज्यादा बार। और उसके लिए ये सब करना पॉसिबल हो पाया क्योंकि बैटमैन की आदत है कि वो हर चीज, हर सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। और दोस्तों, उसकी ये वाली स्किल आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में भी देखी होगी, जहां उसने सिर्फ अच्छे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के दम पे सुपरमैन जैसे एक ऑलमोस्ट गॉड लाइक कैरेक्टर को नियरली मार ही डाला था। दोस्तों, अगर आपको भी ब्रूस वेन जैसी पर्सनालिटी चाहिए, देन आपको भी प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रैक्टिस, इन सब चीजों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। फिर चाहे वो प्रिपरेशन किसी मेजर बोर्ड एग्जाम के लिए हो या चाहे एक छोटे से क्लास टेस्ट के लिए। दोस्तों, अच्छे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के दम पे आप ऐसे ऐसी परिस्थितियों को इजीली टैकल कर सकते हैं जो कि दूसरों के लिए मुसीबत साबित होती हैं। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको डार्क साइड को ही हराना है, बट अगर आप आसमान में बादल देखकर घर से छतरी लेकर निकलते हैं, देन दैट इज एनफ। क्योंकि दोस्तों, वो कहते हैं ना, ए फूल विद ए प्लान इज बेटर ऑफ देन ए जीनियस विदाउट ए प्लान। दोस्तों, ब्रूस वेन या बैटमैन की एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो अपने खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स को जानता है और वो उसी के मुताबिक अपने फैसले लेता है। अगर किसी दिन बैटलफील्ड पे उसके सामने कोई ऐसा ओपोनेंट आ गया जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उससे कई गुना ज्यादा है, देन वो बेवकूफों की तरह उससे भिड़ने के बजाय किसी तरह उसका ध्यान बटाने की कोशिश करेगा, तब तक जब तक कि सुपरमैन या जस्टिस लीग का कोई और मेंबर उस स्पॉट पे नहीं आ जाता। दोस्तों, बैटमैन अपने खुद के वीक पॉइंट्स को जानता है और एक्सेप्ट भी करता है, और इसलिए उसे पता होता है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां कि उसे अपने वीक पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन उस सिचुएशन में उसे क्या करना है। दोस्तों, अब अगर बात करें हमारी, तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हमें अक्सर अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स के बारे में पता तो होता है, बट हमें ये पता नहीं होता है कि उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। हम लोग बिना अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर गौर किए कभी भी कुछ भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, बैटमैन की पर्सनालिटी से जो दूसरी चीज आपको सीखनी चाहिए वो है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट को अच्छे से समझना और उसी के मुताबिक अपने डिसीजंस लेना। अगर आप अच्छा गाना गा सकते हैं, देन हर उस सिचुएशन को यूटिलाइज कीजिए जब आपको गाना गाने का मौका मिलता है। और अगर आप अच्छा डांस नहीं कर सकते हैं, देन हर उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए जहां आपको डांस करना पड़ सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। दोस्तों, बैटमैन की ओवरऑल पर्सनालिटी का जो सबसे कूल और हाइलाइटिंग पॉइंट है वो है उसका नेचर, जो कि बहुत ही डार्क एंड मिस्टीरियस है। और अगर आपको भी ब्रूस वेन जैसी पर्सनालिटी चाहिए, देन आपको भी उससे ये सीखनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ डार्क एंड मिस्टीरियस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा ब्लैक कपड़े पहनिए, लोगों को अवॉइड कीजिए या कभी दोस्त मत बनाइए। नो, बल्कि डार्क एंड मिस्टीरियस नेचर से मेरा ये मतलब है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तब उन्हें बस उतना ही बताइए जितना कि उन्हें जानने की जरूरत है, नथिंग मोर देन दैट। दोस्तों, आपके आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जिससे कि अगर आप बात करना शुरू करते हैं, देन वो बात कभी खत्म ही नहीं करता। वो अपने बारे में आपको सारी चीजें बताएगा, लाइक वो कितने बजे उठा, उसने नाश्ते में क्या खाया, वगैरह वगैरह। अब ऐसी लंबी बातचीत अगर कभी कभार हो तो चलेगा, बट अगर हर दिन हर समय हो, देन वो पर्सन आपको जल्द ही इरिटेटिंग लगने लगता है, जिसे कि आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसके बिल्कुल ओपोजिट, ब्रूस वेन अपने आसपास हमेशा एक मिस्टीरियस वाइब बनाए रखता है, जहां वो किसी से भी बस उतना ही बात करता है जितना कि जरूरी है। नो फालतू बातचीत, लाइक किसने कब क्या खाया, कौन कब किससे मिला, नथिंग। और यही चीज लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग हमेशा उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं।
दोस्तों, अगर आप बैटमैन के फैन हैं या अगर आपने एक बार भी बैटमैन को देखा है, देन आप ये जानते होंगे कि बैटमैन अक्सर रात के टाइम ही ऑपरेट करता है, क्योंकि रात में ही सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। बट यहाँ हमें ना क्रिमिनल से मतलब है और ना ही रात से, बल्कि हमें मतलब है बैटमैन की पर्सनैलिटी से। दोस्तों, बैटमैन रात में ही ऑपरेट इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए वही सबसे सही टाइम है क्रिमिनल्स को पकड़ने का। अनलाइक द पुलिस, जो कि क्राइम होने के बाद आती है, बैटमैन क्रिमिनल्स को क्राइम करते हुए रंगे हाथों पकड़ना प्रिफर करता है, जो कि हमें ये बताता है कि ब्रूस वेन को ये अच्छी तरह से पता है कि उसे कब कौन सा काम करना है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें रियल लाइफ की, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं और इसी के चलते वो दूसरे लोगों पर चिल्लाते रहते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें कब कौन सा काम करना है। दोस्तों, ब्रूस वेन की पर्सनालिटी से जो चौथा पॉइंट आप सीख सकते हैं वो यही है कि आपको अपने हर एक काम को ठीक उसी वक्त करना है जब उसे होना चाहिए। उस काम को भविष्य के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सही टाइम पर सोना है, सही टाइम पर उठना है, सही टाइम पर काम करना है और सही टाइम पर घर से निकलना है। अब ऐसा करने से ना केवल आपके सारे काम टाइम पर खत्म होंगे, बल्कि आप बैटमैन की तरह एक डिसिप्लिन लाइफ भी जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे ब्रूस वेन के चार ऐसे पर्सनालिटी सीक्रेट्स, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं देन आपकी पर्सनालिटी भी ब्रूस वेन की तरह शानदार हो जाएगी। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।